सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज मैंने जैसे दिया लिट्टी चोखा वाला व्लॉग जो कल का आधा बचा हुआ था, सो मैंने सोचा क्योंकि व्लॉग मैं बना नहीं पाई थी, सो उसको कंटिन्यू करने के लिए मैंने वो दिया। आशा करती हूँ कि अच्छा लगेगा और ये व्लॉग कल जाएगा। और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ रात के 9:30 बजे। मेरे मन में नहीं पता क्या आया है, आई थॉट कि कंटिन्यू करती हूँ। आज अभी चैती छठ चल रहा है तो मैं शाम को गई हुई थी, मैंने सोचा उसको रिकॉर्ड करूँगी बट समहाउ कुछ रीज़न से मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं ये व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी कल सुबह तक। सो लेट्स सी क्या होता है और शायद अच्छा लगे, शायद नहीं बिल्कुल अच्छा लगेगा क्योंकि आपको हम घाट पर ले जाने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि ये भी व्लॉग अच्छा लगेगा और चलो एंजॉय करते हैं। आप भी देखो क्या होता है। अभी तो बज रहा है 9:30, कल सुबह उठना है अप्रॉक्स वही 3:30 या 4 बजे के करीब। सूरज उगेगा तो उस टाइम अर्घ देना होता है, तो वो तो आज वाला हो गया और आज होपफुली दिखाने वाली थी तो कोई कारण से नहीं दिखा पाई, तो कल वाला ज़रूर दिखाऊंगी। उसी लिए मैं सोची उसको थोड़ा और अच्छे से वॉश करते हैं ताकि रात से ही बनाया जाए। तो आप जैसे देख सक रहे हो 9:30 बज रहा है, सो 9:30 बज रहा है और उसको कंटिन्यू करूँगी कल सुबह तक। तो ये रात भर चलेगा, सो रात भर चलेगा इन द सेंस मतलब आराम करूँगी, ऐसा नहीं है रात भर चलेगा तो 12-1-2 बजे तक करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको कंटिन्यू करूँगी और देखती हूँ क्या क्या कर रही हूँ उस बीच में। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि है यहीं तक, बाकी ये कंटिन्यू रहेगा कल तक। तो अभी के लिए तो टाटा बाय, गुड नाइट, फिर कल सुबह उठते हैं, ले चलते हैं, आप भी चलो साथ में एंजॉय करते हैं। सो गाइस, जैसे मैंने बोला कि मैं कंटिन्यू करूँगी और फिर मैं खाई पी और सो गई। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, इज अबाउट 4:50 और आँख में मेरे नींद है भाई साहब, नहीं लग रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और बाहर के देख सकते हैं ये है सिचुएशन। सो बस चलते हैं, अभी तो फिर फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद चलते हैं, रेडी वेडी होंगे चलेंगे अभी। चलो जैसे कि ड्रेस यहाँ पड़ा हुआ है मेरा, उसके बाद चलेंगे। पर भाई साहब छठ का एक अलग मज़ा होता है, मज़ा इन द सेंस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल के बहुत करीब है छठ। पर वो चाहे कार्तिक का हो और चाहे वो कोई सा भी हो, मेरे दिल के बहुत करीब है। तो चलो आप भी चलो एंजॉय करो और देखो क्या क्या है।
गुड मॉर्निंग। ये हम आ गए घाट से, जैसे कि आपने देखा थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने जो शेयर किया है। सो हमारे यहाँ ऐसे ही इधर मनता है और ये कार्तिक का है, तो थोड़ा बहुत खाली लगा, फिर भी बेटर है। पहले से पहले बहुत भीड़ रहता था, मतलब पहले सॉरी भीड़ कम रहता था, अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वैसे में जो ठंड में छठ होता है तो उसमें और ज़्यादा भीड़ रहता है। सो लेट्स सी, अभी तो जस्ट थोड़ी देर पहले आए और अभी का देखो धूप देख रहे हो, तो ये धूप अभी अभी है। और जब उठे थे तो ऐसा था कि लग रहा रात में उठे थे। सो उस टाइम और इस टाइम का चेहरा थोड़ा अलग अलग लग रहा था। लेट्स सी आगे क्या होता है, आगे कुछ नहीं, देखते हैं क्या होगा। खाएंगे पिएंगे सोएंगे, क्योंकि सुबह सुबह उठे मेरे को नींद लग रहा है। सो लेट्स सी। एवरीवन, अभी थोड़े देर पहले आई मैं ग्राउंड से, और ग्राउंड में मतलब जिस दिन उस दिन थंडर स्टॉर्म आया था, जो हिसाब से भाई साहब पेड़ गिरा है ना, तो वो देखने लायक था। तो मैं उसको दिखाऊंगी आप सबको। एक्चुअली फोन में चार्ज नहीं था और फोन में घर पे छोड़कर गई थी, सो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैं कल होपफुली रिकॉर्ड करके दिखाऊंगी। पेड़ बीच से, मतलब क्या ही बोलना, बीच से वो हवा के वजह से टूटा हुआ है। सो मतलब क्या ही बोलना, बहुत ज्यादा उस दिन हवा था। और लिटरली बोला जाए ना तो ऑन अ सीरियस नोट, जिसका चार दीवार रहता है ना, छत रहता है, उनको सच में भाई साहब कुछ नहीं पता चलता है कि लिटरली बाहर हो क्या रहा है। मतलब उस दिन ऐसा भी हुआ है कि जो जो झोपड़ी वगैरह में रहते हैं वो भी टूट गया है, वो भी मतलब ऐसे बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। मतलब कुछ कुछ चीज़ ऐसा है जो देख के बहुत ही बुरा लगता है। और हम लोग के पास बहुत कुछ होने के बाद भी वी थिंक कि हमारे पास नहीं है, भगवान को कोसते हैं, वी थिंक कि अरे मेरे पास ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ना मतलब एक नोट बता रहे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम नहीं कहते या कोई और नहीं कहता, या कहता भी होगा तो कोई, मतलब उस ये मैं बोल रहे लॉजिक में बोल रहे हैं कि जो सिचुएशन हुआ था उस दिन के बाद से मैंने न्यूज़ देखा, मतलब लोकल न्यूज़ भी देखा मैंने, बहुत कुछ बहुत जगह मैंने खुद अपने आँख से देखा। तो जो हिसाब से हम यहाँ घर पे बैठ के मे भी एक टाइप से इंजॉय भी कर रहे होंगे, या हवा, मतलब सोचो गर्मी है तो ऐसा हवा, चलो एक वो एक अलग नोट हो जाता है। बट खुद का जब छत ये हो जाए ना, तो मतलब सोचना बनता है। मतलब जो हिसाब से वो सब देखे हम, तो मेरे को बहुत खराब लगा। तो मतलब इसका यही बोलना है, मतलब जो मैं इतना बोली इसका बोलने का यही मतलब है कि जो भी है ना आप लोग के पास, उसको लेके ना खुश रहो। ऐसा नहीं है कि यार ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, जो है मतलब इन विच एवर सिचुएशन आर यू, ऐसा नहीं है कि मतलब आप किसी और चीज से ग्रसित हो रहे हैं तो वो चीज को लेकर खुश हो। ऑन नॉट दैट नोट, हम चार दीवार का बात कर रहे हैं, जिसका झोपड़ी होता है नॉल, तो जब वो सब आता है ना तो समझ में आता है एक्चुअली उसका वैल्यू। तो यही मतलब ऑन द नोट यही था, तो कुछ सीरियस हो गया क्या, नहीं वैसा नहीं। बट क्या है ना, कुछ कुछ चीज देखने के बाद, जब मैं वीडियो बना ही रही हूँ, आपके सामने आ ही रही हूँ, तो कुछ कुछ चीज को, कुछ कुछ टॉपिक को लाना भी बहुत जरूरी होता है। सो अगर जानना है तो इस साइड से भी जानो ना अगले को, जैसे अगले को आप एक साइड से जानते हो जहाँ वो अपना कुछ शेयर करता है, बट शेयर करना इज लाइक ये भी कुछ शेयर करना। और अभी कुछ ऐसा, मतलब ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया है कि आई एम शेयरिंग एवरीथिंग विथ यू पीपल, तो कहीं ना कहीं मेरा हक बनता है कि मैं जो फील करूं वो भी आपके संग शेयर करूं। सो या मैंने ये फील किया, सो आई शेयर। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप भी शेयर कर सकते हो, कोई ये नहीं है। बट हाँ एक चीज है, जो है उसको लेके खुश रहो, मतलब बहुत है, किसी को ये भी नसीब नहीं होता है। सो
अभी के लिए तो बस ये हुआ, अभी थोड़ा वॉक पे आए, वॉक से आए तो थोड़ा अच्छा भी था, बट ये सब देख के माइंड में थोड़ा वो भी लग रहा था यार ऐसा हो जाता ही है, होता है थोड़ा थोड़ा होता है, चलता है मतलब फिर भी। सो देखते हैं क्या होता है। बाकी तो अभी 7:30 के करीब बज रहा है, खाएंगे पियेंगे सोएंगे, आज लिटरली बहुत थक गए हैं। तो अभी के लिए तो अभी वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं आप सबसे कल, तब के लिए टाटा बाय बाय सिया। और जो भी अभी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक शेयर टू योर फैमिली, एंजॉय करो कुछ चीज। और अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो मैं ऑलराउंडर वीडियो लाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ है, सो लेट सी, आप भी इंजॉय करोगे होपफुली। सो अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।